यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर रेवाड़ी से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने बयान दिया है और कहा है कि सरकार SYL पर गंभीर नहीं है। सभी बार एसोसिएशन से समर्थन लेने के लिए अभी नैलो निकली है। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी नेताओं की परंपरा बन चुकी है घिनौने काम करना, बलात्कारी को सजा के साथ बेइज्जत भी करना जरूरी है। स्वास्थ्य के बाद अभी और भी घोटाले उजागर करेगी इनेलो। तो रेवाड़ी से ये बड़ी खबर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने बयान देते हुए कहा है कि SYL पर सरकार गंभीर नहीं है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन से समर्थन अब इनेलो की ओर से ली जा रही है। बार एसोसिएशन का समर्थन लेने के लिए अब इनेलो निकली हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए गैंगरेप मामले में अब विधायक की गिरफ्तारी को लेकर अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी नेताओं की यह परंपरा बन चुकी है घिनौने काम करना, बलात्कारी को सजा के साथ बेइज्जत भी करना जरूरी है, अभय चौटाला ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बाद में अभी और भी घोटाले इनेलो की ओर से उजागर किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे पवन वत्स, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। पवन वत्स, नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला सरकार पर हमलावर नजर आए हैं कई मुद्दों को लेकर, चाहे SYL का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में आए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हो, और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा? जी अमित, आपको बता दें कि अभय चौटाला जब रेवाड़ी पहुंचे तो उन्होंने SYL के मुद्दे को लेकर जब इसका प्रतिपक्ष जो बार एसोसिएशन उसका समर्थन लेने की बात कही और बलात्कार के बारे में जो बीजेपी के नेता जो बलात्कार के बारे में जो मामला है उसके बारे में ये कहा कि ये इनकी आदत परंपरा बन चुकी है। बराला के लड़के ने भी इसी प्रकार का एक घिनौना कार्य किया था और इस पर कई मुद्दों पर जो है उन्होंने सवाल उठाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पवन वत्स तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर SYL को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार SYL पर गंभीर नहीं है, सभी बार एसोसिएशन का समर्थन अब इनेलो लेने का प्रयास कर रही है। तो वहीं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कहा, स्वास्थ्य विभाग में जो मामला इनेलो की ओर से उजागर किया गया घोटाले का मामला, उसको लेकर अभय चौटाला ने कहा कि स्वास्थ्य के बाद अभी और भी घोटाले उजागर इनेलो की ओर से किए जाएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि बलात्कारी को सजा के साथ बेइज्जत करना भी जरूरी है।